जैसलमेर रियासत के महारावल चैतन्य राज सिंह का हुआ भव्य राज तिलक। जैसलमेर के सोनार किले को सजाया दुल्हन की तरह, आमजन में राज तिलक को लेकर उत्साह। समारोह में उमड़ी इतनी भीड़ कि सोनार फोर्ट का बंद करना पड़ा गेट। इससे पहले साल 1982 में हुआ था इतना बड़ा आयोजन। जैसल जी की कृपा से जो इस किले का निर्माण हुआ और उनकी जो आस्था थी इस पूरे परगने के बारे में, वो आज केवल देखने को मिल रही है। और जिस समय दरबार साहब ने राज सिंहासन पर विराजे, उस समय लक्ष्मीनाथ जी, स्वांगिया जी एवं जितने भी आदर्श देव देवता थे, उनके बारे में जो जयकारे निकले हैं, वो जनमानस के अंदर से निकले हैं, न कि कोई किसी प्रकार के इवेंट मैनेजमेंट से निकले हैं। ये एक राजतंत्र के प्रति आस्था और जैसलमेर दरबार साहब के प्रति जो जनमानस की आस्था थी, उसी का परिणाम है। उससे लेके एक बार फिर हमें सभी यादें ताज़ा कर दी गई, जिस प्रकार से जैसल देव जी, उनके वंशज बिजराज सिंह जी, जिनके सभी के जयकारे जनमानस ने लगाए हैं, वो एक प्रकार से पूरा हमको हमारा इतिहास याद दिला दिया। आज हमारे जैसलमेर में बहुत ही आनंददायक और खुशी नुमा माहौल है, और आज हमारे नए महारावल साहब का राज तिलक हुआ है श्री चैतन्य राज सिंह जी का, और छत्तीसी कौम के अंदर हर्ष और उल्लास, और सब लोग आज प्रसन्नचित्त हो रहे हैं, सब आनंदमय हो रहे हैं। जैसलमेर पूरा जैसे कोई होली दिवाली त्यौहार आ गया हो, वैसा छत्तीसी कौम के अंदर आज सबको बहुत ही खुशी और आनंद महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है छत्तीसी कौम के अंदर हर्ष और उल्लास है, और जैसे कोई कृष्ण अवतार, कोई अवतारी पुरुष की किसी की यात्रा निकल रही हो। आज सब लोग ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे कोई उनके लिए कोई एक बहुत ही कोई अच्छी, मतलब एक खुशखबरी और एक अच्छी पर्सनैलिटी, मतलब जयसाण धनी की जय, लक्ष्मण नाथ की जय हो, और अच्छे मतलब आज माहौल रहा, हर तरह से अच्छा रहा। आज हमारे जैसलमेर के इतिहास में एक नया दिन लिखा जाएगा। हमारे महारावल छत्रा यदुपतिनाथ महाराज चैतन्य राज सिंह जी का राज तिलक हो चुका है, और ये आप देख रहे हैं अपार हजारों की तादाद में भीड़। और जैसलमेर के इतिहास में ये पहली बार देखने को मिला है कि जनता का राजतंत्र के प्रति और राजघराने के प्रति कितनी आस्था है। किले के अंदर जो लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ के जो रहवासी हैं, उनकी जो अंदर की भावना थी और महाराज घराने के प्रति जो एक समर्पण था, वो खुल के सामने आया है। वो लोग इतने खुश थे जैसे उनके लिए आज दिवाली और दशहरा हो। कैसा लग रहा है लंबे समय? बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारे जैसलमेर को एक लंबे समय के लिए एक बहुत ही अच्छे शासक मिले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कार्यक्रम जो था वो इस पूरे जैसलमेर शहर और इस जैसलमेर की 36 कौम का था, क्योंकि आज चैतन्य राज जी को जब राज तिलक का कार्यक्रम तय हुआ और इस कार्यक्रम की जब एक व्यवस्था लोगों ने देखी कि कार्यक्रम इतनी तारीख को हो रहा है, तो एक उल्लास उनमें अपने आप ही आ गया। और हालांकि आज राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, लेकिन जो इज्जत जो सम्मान इस कृष्ण गादी की है, भगवान लक्ष्मीनाथ जी के बाद अगर यहाँ के व्यक्ति जो है लुड़ लुड़ के सलाम जिसको बोलते हैं, या जिसको अपन कहते हैं कि चरणों के अंदर जो है अपना सम्मान रखते हैं, वो इस गादी को रखते हैं। और इसके लिए आज आपने जब देखा होगा कि जैसलमेर का प्रति व्यक्ति, प्रत्येक घर से बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, सभी लोगों को एक ही ललक थी कि हम अपने राजा का चेहरा देखें, हम उनके पास आएं, हम उनके पास खड़े रहें, उनका सारा कार्यक्रम देखें। तो आज जो महाराजा का राज तिलक हुआ, एक भव्य राज तिलक था। पूरी जनता तन मन और धन से जुड़ाव रखा। राजतंत्र है पर लोगों की भावना अभी राजा के प्रति है। तो शुरुआत में वो किले आए, फिर उनका राज तिलक हुआ, जो राज इनका जो गुरुद्वारा है, ये उन्होंने अपने भव्यति से मत किया। फिर यहाँ के पाठ पुरोहित गोपाल जी है, उन्होंने राज तिलक किया। उसके बाद वो दर्शन करने के लिए अपने जो पुराना मंदिर है टीकम देव जी का, फिर शिव जी का मंदिर है वो पुराना, और लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है, वहाँ उन्होंने पूजा की। रात को 56 भोग का आयोजन रखा गया है, जहाँ पूरे किले वाले 56 भोग का पूरा प्रसाद ही लेंगे। उसके अलावा जो राजपूत वर्ग है, उनका अलग से उन्होंने अपने जवाहर निवास पैलेस में रखा गया है। पूरा एक शहर को उन्होंने इन्विटेशन किया है, सब लोग प्रसादी लेंगे, और राजा के प्रति जो उनकी भावना है वो उनके लिए एक अद्वितीय है।
आप अपने आप उनके देखने के लिए आकर्षित हो रहे थे, ठीक है ना। तो उनकी जो आज भी जो दरबार दरबार करते हैं, उस दिल में एक खुशी का लहर थी उनके, इसलिए अपने आप वो स्वाभाविक रूप से इकट्ठे हो गए। पूरा चौक पूरा पांव रखने की जगह नहीं थी।